ये कुछ ऐसा खास तो नहीं है, फिर सब क्यों दीवाने हैं इसके। आजाओ प्यारे 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 बच्चे। हाँ बहुत सी चीजें हैं, सबसे पहले आप क्या देखना चाहेंगे? हम देखेंगे सबसे पहले आपका चेहरा। चुप रहो। मैं असल में सोच रहा था कि सबसे पहले हम लोग मिनी ट्रेन में सफर करें ताकि इस जगह अच्छी तरह देख सकें। ठीक है, मैं समझ गई। आप सभी लोग मेरे पीछे लाइन बनाकर आ जाइए। ये ट्रेन इस जगह का पूरा चक्कर लगाएगी और मजेदार बात यह है कि इसे बंदर चलाएगा जो एक रोबोट है। उसे देखकर आप लोगों को हंसी आएगी। मतलब समझा नहीं, रोबोट को देखकर हंसी क्यों आएगी? अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म 3 से जाएगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। माफ कीजिएगा सर, आप आगे नहीं जा सकते हैं। जिनका कद इससे कम है वही जा सकते हैं, यानी कि बच्चे। अरे वाह, ये लोग बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, बहुत बढ़िया बात है। ये बड़े लोग इसमें बैठेंगे। बच्चों चलो बैठो। अरे वाह, ये तो भाप वाली ट्रेन है। अरे ये बंदर ट्रेन को चलाएगा? ये एक रोबोट बंदर होगा। मैं भी ये ट्रेन चलाऊंगा। क्या ये रोबोट है? देखने से तो नहीं लगता, पर जो भी है बड़ा ही बदतमीज बंदर है। मुझे तो बच्चों की फिक्र हो रही है। लगता है मात्सुज़ा का मैम भी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। देखिए ना आपको कैसे देख रहा है। चलो अब आप और योशिनागा मैम में लड़ाई नहीं होगी। तुम चुप रहो। ये कैसा रोबोट है? ये बंदर है। वाह कितना मजा आ रहा है, वो देखो पानी। बच्चों बस अब ज्यादा उछल कूद मत करो। चुपचाप बैठ जाओ। कितना मजा आ रहा है। अरे आगे देखो, हम टकरा जाएंगे। अब क्या होगा? जब आप तीनों गेट से गुजर जाएंगे तो एकदम सफेद धुआं आएगा, उसके बाद हम जंगल में पहुंच जाएंगे और वहां तरह तरह के जानवर होंगे। हिंडरलैंड में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। कितनी प्यारी गिलहरी है। मैंने नहीं सोचा था कि हमें बैठना पड़ेगा।